सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आज का BGMS शेड्यूल के बारे में, कौन सी टीम्स का मैचेस होगा, कब चालू होगा, टाइमिंग के साथ सब कुछ बताऊंगा, फिर कुछ न्यूज है और इंटरनेशनल स्लॉट के बारे में भी कुछ चीजें रिवील हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो कल कुछ बंदों ने सपोर्ट किया था, जैसे जाहिनुर रहमान भाई, चेतन हरिश्चंद्र भाई, जैद अहमद खान, फिर वीर सोहम बहादुर खत्री। तो थैंक यू सो मच यार सपोर्ट करने के लिए। एंड एक भाई ने मैसेज किया था, कीप द गुड वर्क गोइंग, एड बिट ऑफ फन कन्वर्सेशन एंड अनबायस्ड ओपिनियन एज यू डू, बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक्स यार, मैं ट्राई करूंगा। वैसे कुछ बंदे बोलते हैं कि तू अपना ज्ञान मत दो, बस न्यूज दो, जो भी है यार। एंड बात करते हैं अभी BGMS के बारे में। तो आज होने वाला है प्लेऑफ्स और देख सकते हो चार मैचेस होने वाला है डेली, स्टार्टिंग 6:30 से स्टार्ट होने वाला है। तो बोल सकते हो मैचेस 6:30 से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि भाई चार मैच होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो डे वन का शेड्यूल है, इरेंगल, सैनोक, मीरामर, इरेंगल, तो बढ़िया है। और जो टीम्स है वो फिक्स रहने वाला है, यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं है। 16 टीम्स ही थी जो क्वालिफाई, मतलब जो नहीं कर पाए थे क्वालिफाई फाइनल्स के लिए, देख सकते हो जिसमें टीम तमिलाज, एनटीटी, रेवेनेंट, वसीस्टार्ट, फॉरएवर, आईक्यू सोल, कार्निवल, ओरेंगोटेन, हीरो एक्सट्रीम, गॉड लाइक, वन ब्लेड, टीएक्स, मोगो, टीम जी, डब्ल्यूएसबी एंड 8-bit। तो ये टीम्स का मैचेस चलेगा, चार मैचेस चलेगा आज और कल भी चलेगा, दो दिन का ही प्लेऑफ्स है। फिर यहां से टॉप 12 टीम्स क्वालिफाई करेगी फाइनल्स के लिए और बॉटम के चार टीम एलिमिनेट होने वाली है। तो क्या लगता है, आप लोग अपना प्रिडिक्शन देख सकते हो कमेंट सेक्शन में। और मेजी भाई ने प्रिडिक्ट कर दिया है, देख सकते हो बॉटम 4 टीम्स, टीजेड, टीएक्स, मोगो, डब्ल्यूएसबी। वेल ये तो हाँ, जो डोमिनेशन वीक की बात था शायद उसी का रिजल्ट है, कुछ टीम्स 8-bit नहीं है। खैर उसके बाद यहाँ पे जो डोमिनेशन वीक था उसमें स्टार ऑफ द वीक रहे थे पंक। तो पंक अच्छा खेले थे यहाँ पे अपनी टीम की तरफ से, मतलब गॉडलाइक से अच्छा खेले थे। और एक कल पोस्ट भी किए थे, ए गेम चेंजर डज नॉट शो ऑल हिज कार्ड एट वंस, तो ये कल पोस्ट आया था। सो यस, देखते हैं यहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस रहता है। और फिर यहाँ पे टीएक्स का खासकर, क्योंकि वो लोग बहुत सारे टीम्स हैं, मोगो भी है, उतना सीरियसली नहीं खेल रहे थे क्योंकि वहाँ पे कोई एलिमिनेशन नहीं था, यहाँ पे एलिमिनेशन है। 8 ही मैच है, टीम्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, कट ऑफ 40-50 पॉइंट्स का जा सकता है। और एक और चीज़, यहाँ पे कोई बाउंटी या इम्पैक्ट प्लेयर वो नहीं होने वाला है, सिर्फ पावर प्ले है, मतलब फर्स्ट जोन पे डबल पॉइंट्स मिलेगा फिनिशेस का। तो चलो ये हो गया BGMS के बारे में। और एक कन्फ्यूजन था यहाँ पे, मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि यहाँ पे कल जब आर्कलेन ग्लोबल स्पोर्ट्स के IGL वो स्ट्रीम कर रहे थे, वहाँ पे वो बताया कि जो MVP होगा BGMS का वो ओवरऑल होने वाला है। और वो बोल रहे थे कि बीस्ट बनेंगे MVP उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे देखोगे अभी तक का जो फ्रैगर लिस्ट है उसमें हंटर से टॉप है, फिर बीस्ट है, बाकी भी प्लेयर्स देख सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा क्योंकि भाई यहाँ पे जो प्लेऑफ्स है, जो टॉप 4 टीम्स थी वो तो प्लेऑफ्स में खेलेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे 8 मैच है हर एक टीम जो मैंने दिखाया, तो उसमें जो प्लेयर्स खेलेंगे वो तो आगे आ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा, सिर्फ फाइनल्स का MVP अलग बनेगा, जो कि वहाँ पे सारी टीम्स सेम नंबर ऑफ मैचेस खेलेगी। देखते क्या सीन रहेगा, ऑफिशियली यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन तो नहीं आया है। और प्राइस पूल भाई, क्या पता कब ये लोग रिवील करेंगे, मतलब अभी तक रिवील नहीं हुआ है। कुछ लोग बोल रहे थे 1 करोड़, फिर कुछ लोग बोल रहे कि स्पॉन्सर मिल रहा है तो शायद वो इंक्रीज हो सकता है, क्या लगता है आप लोगों को कमेंट में बताना। लेकिन हाँ, 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा ही रहेगा। अभी बात करते हैं कुछ और न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले इंटरनेशनल स्लॉट का क्या न्यूज़ आ रहा है, तो कल मेजी स्ट्रीम कर रहे थे, वहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे क्या PMGC का स्लॉट मिलेगा इस बार जो कि होने वाला है, तो उस पर वो क्या रिप्लाई करते सुन सकते हो। और कुछ और चीज़ें, बात रही इंटरनेशनल की, तो यार इंटरनेशनल का तुमको भी पता है कि भारत सरकार और गेम के बीच में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। अभी उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की है, जैसे अभी पैरा ओलंपिक्स में इतनी सारी चीज़ें की क्राफ्ट ने, देन इंडिया में इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, डिफरेंट और जो इवेंट्स हैं, कॉलेज इवेंट्स हैं, वो शायद वो सारी चीज़ें वो करा रहे। तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार का PMGC शायद इंडियन टीम खेल पाए, पर एक्सपेक्टेड है कि इस बार का शायद PMGC इंडियन टीम्स खेल ले, और अगर खेल ली तो भाई ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, फिर तो मज़े ही मज़े आ जाएंगे। फिर तो अगर PMGC इंडियन टीम्स ने खेल दिया, यानी कि जो मिड वर्ल्ड कप होता है उसमें भी इंडियन टीम खेल पाएगी, क्या पता PEL में जो टीम्स बाहर से आती हैं, PEL में आती या नहीं आती, PEC अब नहीं होता ना, तो अगर मान लो ऐसा कुछ इवेंट होता है तो उसमें भी इंडियन टीम जा पाएंगी, यानी कि एक ओपनिंग है PMGC। अगर सच में वो ओपनिंग हो पाई तो फिर तो हर एक इवेंट में इंडियन टीम्स का जाना तय है, क्योंकि व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। वैसे तो जैसे यहाँ पे मेजी भाई ने बोला कि अभी यहाँ पे कुछ फिक्स तो नहीं हुआ है, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद से इस बार PMGC में स्लॉट मिलेगा, और अगर मिलता है तो लीग स्टेज का मिलेगा, जो कि और बढ़िया बात है। वेल देखते हैं यहाँ पे क्या सीन रहेगा, लेकिन अगर मिल गया तो इसके बाद बोल सकते हो जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा, इन्विटेशनल टूर्नामेंट होगा और चाइना का भी जो होता है, उसमें भी इंडियन टीम जा सकती है।
बट मैं तो बोलूँगा भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि हम लोग को पता है भाई जितना ज़्यादा हम लोग खुश होते हैं लास्ट मोमेंट में भाई नहीं होता है तो उतना ही ख़राब लगता है। तो जो भी होगा भाई यहाँ पे मैं बता दूंगा, अभी यहाँ पे कुछ कन्फर्म मत मानो, 50-50 बोल सकते हो। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताना। सो अभी बात करते हैं BMPS के बारे में। सो आपको पता है BMPS होने वाला है इसी मंथ, लगभग 20 तारीख से स्टार्ट होगा। सो कल न्यूज़ आया था, देख सकते हो, ए गुड नंबर ऑफ गर्ल गेमर्स विल प्ले इन BMPS, हर्ड UE गर्ल्स इवेंट हैज सम BMPS स्लॉट। मतलब कुछ यहाँ पे गर्ल गेमर भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, उनको भी स्लॉट मिलेगा, तो भाई बढ़िया बात है। फिर सब टीम्स इन BMPS सीजन 2 रिसीव इनवाइट फ्रॉम थर्ड पार्टी इवेंट्स। सो अभी यहाँ पे जो न्यूज़ आया था कि लगभग 100 से ज़्यादा टीम्स को इनवाइट मिलने वाला है BMPS सीजन 2 के लिए, और उसमें अलग अलग टीम्स को मौका मिल रहा है अलग अलग इवेंट से, चाहे वो थर्ड पार्टी इवेंट हो या फिर कोई और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स का इवेंट हो। सो भाई यहाँ पे इस बार थोड़ा अलग डिसीजन रहा, पर चलो बढ़िया बात है, हर एक टीम्स को यहाँ पे बोल सकते हो जो लेजिट टीम्स हैं उनको ही मोस्टली मौका मिलेगा। अभी देखते क्या सीन रहेगा। एंड फिर उसी के साथ घातक भाई ने अपने ट्विटर पे शेयर किया, 19 वीक्स ऑफ ट्राइडेंट स्क्रीम्स हैव जस्ट बीन कम्प्लीटेड विदाउट एनी हैकर्स और अनएथिकल बिहेवियर, द क्रेडिट गोज टू आवर वंडरफुल ट्राइडेंट कम्युनिटी फॉर कीपिंग द गेम क्लीन, इफ यू वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी साइन अप ऑन आवर वेबसाइट। तो भाई 19 वीक हो चुका है ट्राइडेंट स्क्रीम्स का और अभी भी चलता जा रहा है, डेली होता है जिसमें कुछ T1 प्लेयर्स भी खेलते हैं। सो भाई बढ़िया बात है, वो भी बिना चीटर्स का अभी तक जिसका ये बताया। तो आप लोग चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहाँ से भी BMPS के लिए स्लॉट मिलने वाला है। अब कितना स्लॉट मिलेगा वो कन्फर्म नहीं है, बस न्यूज़ आया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है सोल के बारे में। सो कल सोल आयोगी Q&A कर रहे थे ट्विटर पे, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था, सौम्य को क्या रोल मिला है या बिना रोल के ही खेल रहा, प्लस 44 काफ़ी चौक हुए उस पर, कैन वी एक्सपेक्ट इम्प्रूवमेंट इन प्लेऑफ्स। तो वो लिखे थे उसका फर्स्ट रोल अभी टीम पर जल्दी सेट होने का है, अपार्ट फ्रॉम डैट टीम के अंडर इंडिविजुअल रोल डिस्कस हो चुके हैं, एक बार चीज़ें सही से सिंक होगी तो आपको सियोली रिजल्ट दिखेंगे। सो आपको पता है न्यू प्लेयर ज्वाइन हुए हैं सौ में, तो अभी यहाँ पे मे बी कोऑर्डिनेशन सिंक में प्रॉब्लम्स आ रहा होगा। सो होप करते वो जल्दी से ठीक हो जाए, मतलब सब कुछ कोऑर्डिनेशन के साथ खेलेंगे तो वापस हम लोग को पुराना गेम प्ले देखने को मिलेगा। वैसे मे बी आज ड्रॉप फाइट या वो तो इनिशियल फाइट में जा सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या लगता है। आज टॉप 4 आप लोग प्रिडिक्शन कर सकते हो कि कौन सी टीम आज परफॉर्म करेगी। खैर उसके बाद मायावी भाई भी इंस्टा पे Q&A किए थे, जहाँ पे क्वेश्चन था, विल यू गो फॉर द बायआउट ऑफ हंटर्स आफ्टर हिज अनबिलीवेबल BGMS और यू गोना स्टे विथ सौम्य। तो यहाँ पे लिखे थे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पेइंग एन ऑर्ग द बायआउट वैल्यू हुज प्लेयर्स वैल्यू वाज अर्लियर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अस मान्यम, नेक्स्ट टाइम से भाई नेक्स्ट टाइम से कंसल्टेंसी चार्जेस भी बात कर लेना। तो आपको पता होगा जो यहाँ पे सीन हुआ था, मतलब रैकरिंग के ओनर ने बताया था, उनको मान्या का एक वॉइस नोट ली पता चला था कहीं से, उसके बाद वो हंटर्स का वैल्यू बढ़ा दिए थे, प्राइस बढ़ा दिए थे। और वैसे भी सोल पे नहीं करने वाली है, और जिस तरह ये स्टोरी है मतलब क्लियर है कि वो हंटर्स का मतलब यहाँ पे बायआउट प्राइस तो नहीं देंगे। अब देखते हैं सौम्य के साथ कंटिन्यू करेंगे या कोई और प्लेयर होगा, वो फिक्स नहीं है। अभी यहाँ पे टाइम है क्योंकि यहाँ पे BGMS खत्म होगा, अगर सौम्य के साथ सब कुछ सही रहता है तो भाई कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे सौम्य के साथ नहीं बैठता सब कुछ तो मे भी एक प्लेयर चेंज कर सकते हैं। वैसे बाकी जो प्लेइंग 4 है जोकर के साथ, वो तो भाई आपको पता है बढ़िया ही है, 2-3 साल से साथ में ये लाइनअप, तो ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है, देखते क्या सीन रहेगा। और चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, जो मुझे बताना था ये न्यूज़ के बारे में, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।